नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे एवं मजे में होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जी नाम वाले जातक एवं डब्लू नाम वाले जातक यदि शादी करते हैं तो इन दोनों के बीच में जो बंधन बनेगा, जो संबंध बनेगा, वो कैसा रहेगा। दोस्तों, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको सुनना चाहिए, लेकिन सबसे पहले क्या करना है कि आपको वीडियो लाइक कर देना है, साथ में स्पेशल राशि को आपको सब्सक्राइब कर देना है एवं वीडियो के नीचे में अपना नाम कमेंट कर देना है। उसके बाद वीडियो को ध्यान से सुनना है। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जी नाम वाले जातक एवं डब्लू नाम वाले जातक यदि किसी भी प्रकार के बंधन में आते हैं तो इन दोनों के बीच में अनुकूलता की कमी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इस नाम के जो दोनों जातक होते हैं वो एक दूसरे से अलग, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अपने अपने जीवन में अपने अपने दृष्टिकोण को, अपने अपने विचार को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। कभी भी अपने जीवन में एक दूसरे की बातों को ज्यादा सम्मान देना, ज्यादा महत्व देना पसंद नहीं करते हैं एवं ऐसे समय में इन दोनों के बीच में आपसी तनाव, आपसी मनमुटाव बहुत ज्यादा होता है। दोस्तों, यदि जी नाम वालों की बात करें तो जी नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो बेहद तेज होते हैं, बेहद चालाक होते हैं एवं हमेशा अपने जीवन में आजाद होना, स्वतंत्र होना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। कभी भी अपने जीवन में किसी भी इंसान के अंदर में रहना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस नाम के जो जातक होते हैं वो स्वभाव से बहुत ज्यादा क्रोधी, बहुत ज्यादा गुस्सैल होते हैं। छोटी मोटी बातों पर बहुत ज्यादा क्रोध, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं एवं ऐसे समय में आप दोनों के बीच में आपसी तनाव अवश्य होता है। दोस्तों, यदि डब्लू नाम वालों की बात करें तो डब्लू नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो बेहद शांत होते हैं, बेहद गंभीर होते हैं एवं हमेशा अपने जीवन में अपने आने वाले समय के प्रति बहुत ज्यादा आशावादी होते हैं। दोस्तों, इस नाम के जो जातक होते हैं वो बहुत ज्यादा मेहनती, बहुत ज्यादा परिश्रमी होते हैं। दोस्तों, जी नाम वाले जातक एवं डब्लू नाम वाले जातक इन दोनों के बारे में लगभग सारी बातें जानने के बाद यदि हम ये जानना चाहें कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आप दोनों के बीच में जो बंधन बनेगा, जो संबंध बनेगा वो सामान्य रहेगा, न ज्यादा मजबूत न ज्यादा खराब। दोस्तों, मुझे उम्मीद है अब तक आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, साथ में स्पेशल राशि को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा एवं वीडियो के नीचे में जय बाबा भैरव आप कमेंट अवश्य कर दें एवं वीडियो हर जगह शेयर कर दें। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद। जय सिया राम।